क्या है, खास क्या है? सबसे खास बात यह है कि वक्त से पहले फसल तैयार हो जाने की वजह से हम लोग को और किसानों को दोनों जन को इसमें बहुत फायदा होता है, और क्योंकि कीमत अच्छी होती है, बाजार में माल नहीं होता, इसलिए हम लोग मनचाही कीमत ले सकते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें जो हम लोग खेती कर रहे हैं इसमें लागत भी कम है और मेहनत ज्यादा है, मगर लागत कम है, लागत कम होने की वजह से फायदे ज्यादा होते हैं। क्या लागत के हिसाब से आपको मुनाफा मिल जाता है? बिल्कुल, नकदी फसलों में मुनाफा होने की बहुत गुंजाइश होती है। वक्त पहले जो डिमांड से कम सप्लाई होती है तो हम लोग का कीमत हमेशा बनी रहती है। जब अभी आज इस दौर में आप देखेंगे कि अभी लोगों ने करेला लगाना और लौकी लगाना, खीरे लगाने की शुरुआत भी नहीं की है, और 15 दिन बाद में आप देखेंगे इंशाल्लाह खेत में से माल हमारा बाजार में जाने लगेगा। क्या यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको इस तरह की मुनाफा मिलता है, यहाँ जबकि डिमांड इतना नहीं? जब टाइम के बाद जब बहुत डिमांड में सप्लाई हो, डिमांड से ज्यादा सप्लाई होने लगती है तो मुनाफा गिरने लगता है, और बाजार के जो व्यापारी होते हैं उसका फायदा उठाते हैं कि छोटे किसानों को दबाने की कोशिश करते हैं कि माल ज्यादा है, और वो किसान घबराहट में आके सस्ते में माल बेचता है, उसके बाद उसको पूरी कीमत वसूल ना होने के बाद उसको नुकसान होता है। और आप जिस तरह देश में देखते हैं कि किसान खुदकशी कर रहा है, खुदकशी करने की वजह ये है क्योंकि उसको पूरी कीमत नहीं मिलती, सरकार की तरफ से भी कोई उनको एक हाथ नहीं मदद के लिए बढ़ाया जाता है, और किसान जिस तरह से दबता जा रहा है, पूरे देश में किसानों की हालत है वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस तरह की खेती के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और इस तरह की खेती अपनानी चाहिए, उससे उनका फायदा होगा और नकदी फसलों में किसान का जिंदगी सुधार होगा। सिरमिट लगा है ना? ये सिरमिट दोनों जने ले लो ना, आप भी।